रिसेशन की वजह से मार्केटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है अभी से। मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। हम एड कैंपेन चलाते थे बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट की, 80% कैंपेन्स पॉज है। पॉज का मतलब मेरे को जो मंथली रेवेन्यू इनकम आती थी वो जीरो आ रही है वहां से। एम्प्लॉयज के खर्चे जितने भी ओवर हेड एक्सपेंसेस थे वो तो ऑलमोस्ट फिक्स है। हाँ, बिजली का खर्चा बच गया बस मेरा, इंटरनेट का मैंने साल का दे रखा था तो वो भी लग रहा है। तो मेजरली देखा जाए तो रिसेशन मार्केटिंग के लिए बुरा साबित हो रहा है इस बार, और इस बार नहीं मतलब हो रहा है। और ऐसा मैंने पहले भी बोला था कि रिसेशन में ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां कम स्पेंड करने की कोशिश करती है क्योंकि उनका प्रॉफिट कम होता है, उनके रेवेन्यूज कम होते हैं, तो इसलिए सारा का सारा सीन ही होता है। तो यहां पे मेरे हिसाब से एक इंडस्ट्री अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सकती है अगेन मार्केटिंग के अंदर, वो है ट्रेनिंग एंड टीचिंग। तो अभी वायरस के चक्कर में सब लोग घर पे है, तो और रिसेशन के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, तो इस चक्कर में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि देखो आप ये कोर्स ले सकते हो, आप इस टाइम के अंदर अपने आप को डेवलप कर सकते हो और उसको अच्छे तरीके से मार्केट किया जा सकता है और कम स्पेंड के ऊपर आपको रीच मिल सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एड्स नहीं चला रहे, तो ज्यादा एड नहीं चलती तो ज्यादा कॉम्पिटिशन कम हो जाता है और एड रेट सस्ता हो जाता है। अपॉर्चुनिटी है।